जिंदगी एक है, जी लो या काट लो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2021 के प्रमुख युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बनना ही है। कोई भी कोई एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एक दो तो पक्का आते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और याद करने की आप टेंशन मत करिए। सब कुछ आपको मैं याद यहाँ से करवाऊंगा, ट्रिक के द्वारा आपको डायरेक्ट लिंक करके बताऊंगा, ठीक है जी। और हाँ, इससे पहले वीडियो मैंने बना चुका है जो कि 2020 के एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उनमें ट्रिक बन चुकी है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर और भी आप कहेंगे तो जो भी छोटे छाटे हैं वो भी मैं करवा दूंगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये 2021 के सभी जो हैं युद्धाभ्यास हैं, हमने यहाँ पर नोट कर लिए, अब आपको याद कराते हैं, ओके। तो देखिए, क्लास में बने रहिए, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप स्किप बहुत करते हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, ओके। अगर सच में आप याद करना चाहते हैं, अगर टाइम पास करने के लिए आए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर याद करना है तो बने रहिए लास्ट तक, सच में आपके माइंड में सारे कुछ होंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, वरुण जो कि 19वां संस्करण है, और ये भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये अरब सागर में हुआ है। अब याद रखें कैसे, देखिए वरुण, वरुण को आप एक वर पकड़िए, शब्द वर। आज के जमाने में हर कोई अच्छा वर ढूंढना या फिर पसंद करता है, वर यानी कि वर समझते हैं ना। तो वर का दोस्तों हर लोग वर अच्छा ढूंढना पसंद करता है, क्योंकि जीवन साथी अगर अच्छा होता है तो जीवन अच्छे से कट जाता है। तो ये इसलिए वर हमेशा अच्छा ढूंढना चाहता है हर व्यक्ति, कोई फंसना नहीं चाहता। फ्रांस कोई नहीं फंसना चाहता, वर ढूंढने में कोई नहीं फंसना चाहता, कोई ब्यौड़ा ऐसे मिल जाए कोई नहीं ऐसे चाहता, हर लोग अच्छा। लेकिन कभी कभी कोई फंस जाता, कोई किस तरह का मिल जाए, नहीं फंसना, फ्रांस वर में कोई फंस जाता है, ऐसे समझिए कि वर ढूंढने में कोई फंस जाता है यार, रियल में फंस जाता है। तो फंसने से फ्रांस होगा, रियल याद रहेगा दोस्तों वरुण है, वरुण यानी कि वर ढूंढने में लोग फंस जाते हैं कभी कभार, ओके। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे दोस्तों है क्या, जो कि हमारे लाइफ में ऐसे मोड़ आते रहते हैं, वर या फिर फंसना या फिर कुछ ऐसे। खंजर युद्धाभ्यास जो कि यह 8वां संस्करण है, ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ? साथों साथ आप देख सकते हैं 20 के, जो कि किर्गिस्तान की ये राजधानी है, ओके। राजधानी भी आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत ही गजब की ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, खंजर, खंजर क्या होता है? अगर खंजर किस लिए होता है, तो आजकल कत्ल वत्ल तो करने में काम खंजर का नहीं होता, ये सब पुराने हो गए। लेकिन खंजर अर्थात चाकू नाइफ, जो कि हमेशा काटने, साग सब्जी ऐसे भी काटने के लिए आता है, क्या खंजर है, यानी काटना किर्गिस्तान जो कि टुकड़ा कर देता है, क्या खंजर। खंजर क्या करता है? वो किसी भी चीज का टुकड़ा कर देता है, ठीक है, कोई भी साग सब्जी हो सकती है, उसका टुकड़ा कर देता है, किर्गिस्तान कर देता है, क्या टुकड़ा, कौन, खंजर, ओके। तो इस तरह आपको याद रहेगा, जो कि दोस्तों सब में आप भारत तो कोई दिक्कत नहीं, याद ही रहेगा क्योंकि सब में भारत है। तो दोस्तों आपको याद रहे, यानी खंजर से हम क्या करते हैं, करने से किर्गिस्तान जो कि टुकड़ा करता है, क्या खंजर, ठीक है, इस तरह याद रहेगा। और आगे दोस्तों क्या, वज्र प्रहार जो कि है, ये भारत और अमेरिका के मध्य कहाँ हुआ है? बकलोह जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, बकलोह, जो कि अब इसको याद रखें कैसे, वज्र प्रहार जो कि वज्र के समान, जो कि हर तरह से प्रहार कर सकता है, जो भी करा है, जैसे जापान में नागासाकी पर बम गिराकर अर्थात प्रहार किया है, ऐसा कंट्री कौन हो सकता है जो कि वज्र के समान डॉन हो, वज्र यानी मजबूत हो, तो इकलौता अमेरिका है, जो कि अभी मिलिट्री एक्सरसाइज में, सैन्य अभ्यास में सबसे मजबूत है, कौन, अमेरिका। तो दोस्तों प्रहार किसी भर कर सकता है, लेकिन करेगा, अब ऐसा बैन हुआ है करेगा कोई नहीं, लेकिन फिर भी कर सकता है, कौन, अमेरिका, ठीक है, क्योंकि इसका ये जो कि एग्जाम्पल दे ही चुका है, ठीक है, जापान पर गिराकर, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, प्रहार कर सकता है कौन, इकलौता अमेरिका, यानी अमेरिका। दोस्तों ये केवल एक ट्रिक है, ठीक है, और अपने अपनी जगह पर सब मजबूत हैं, ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा। वज्र के समान या फिर वज्र प्रहार कर सकता है तो कौन, इकलौता कंट्री है तो अमेरिका है, तो अमेरिका और भारत के मध्य होता है ये युद्धाभ्यास। आगे क्या है, दस्त लिख जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है युद्धाभ्यास एक्सरसाइज, रानी खेत कहां पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। अब इसको याद रखें कैसे, बहुत ही सिंपल, देखिए यहां पर आता दस्त,
ओके, दस्त यानी थर्ड बुखार, बच्चे को दस्त लग जाता है ना, तो क्या करता है, बहुत ही अजीबो गरीब फिर हरकत करने लगता है। यार क्या करे, अगर किसी को दस्त लग जाता, हमें भी अगर दस्त लग गया तो हम अजब से अजब गजब हो जाते हैं। नहीं अजब, अजबे का उज्बेकिस्तान उजबे, पूरा अजब से अजब रवैया हमारा हो जाता है, पूरा चाल ढाल सब कुछ बदल जाता, अजब हो जाता, उज्बेकिस्तान अजब सा हो जाता है। क्या जब दस्त लग जाता है, क्योंकि माइंड काम नहीं करता, बॉडी नहीं काम करती, बहुत तगड़ा सा हीट हो जाता है, तो अजब सा अजब करने लगते हैं, अजब गजब हो जाता है पूरा सिस्टम, कब जब दस्त लगता है। इस तरह आप इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों क्या, युद्धाभ्यास जो कि 16वां संस्करण है, भारत और अमेरिका के मध्य होता है, ठीक है, बीकानेर में, राजस्थान में जो पड़ता है। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए युद्धाभ्यास की बात आती है, जैसे यहाँ पर आज ही प्रहार की बात, वहाँ युद्ध के पास, जो कि अपने में सक्षम है युद्ध किसी भी कंट्री से करने के लिए पछाड़ सकता है, कौन है, अमेरिका है, क्योंकि दोस्तों सबसे जो कि सैन्य व्यवस्था मजबूत है, कहाँ की है सबसे ज्यादा, अमेरिका की है, अर्थात युद्ध करने में भी मजबूत होगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, केवल एक ट्रिक है, ठीक है, युद्ध करने में सबसे सक्षम कंट्री कौन है, अमेरिका है। तो भारत और अमेरिका मध्य युद्धाभ्यास हुआ, ठीक है, किसी से किसी भी कंट्री पर वार कर सकता, वार युद्ध, ओके। आगे दोस्तों क्या, कोरपट, कोरपट जो कि भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, याद रखें कैसे, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होगा, लेकिन कैसे हम याद रखें, जैसे बोलते हैं ना कौन था, ऐसे को कोर था, कौन था, थाईलैंड कौन था, बोलते ना कोई आ गया किसी से मिल गया, पूछे यार ये कौन था, तो बोलते कौन था, कोर था, कौन था, कोर पट था, थाईलैंड। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। और आगे दोस्तों क्या है, एम्पेक्स 21 जो कि भारत की तीनों सेनाओं के मध्य ये आपस में होता है, अंडमान निकोबार समूह में हुआ है दोस्तों ये 2021 में, एम्पेक्स, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको याद रखने में, ठीक है। एम्पेक्स, एम्पेक्स यानी भारत का है जो कि दोस्तों। तो आगे दोस्तों क्या, ट्रोपेक्स जो कि भारतीय नौसेना, आप ये हुआ है भारतीय नौसेना द्वारा एक्सरसाइज, जो कि हिंद महासागर में हुआ, ठीक है, भारत में हुआ है, भारतीय नौसेना अपने आप में किया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों, आप इनको याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आगे दोस्तों क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजर्ट नाइट 21 जो कि भारत और फ्रांस के मध्य होता है, जोधपुर में, राजस्थान का इलाका है जोधपुर, जो कि सिटी है। देखिए इसको याद रखें कि बहुत ही सिंपल है, डिजर्ट शब्द यहाँ पकड़े, डिजर्ट, अगर डिजर्ट में रेगिस्तान में कोई फंस गया बंदा, फंस फ्रांस कोई फंस गया तो एक एक बूंद के लिए तरस जाता है, ठीक है जी। इस तरह आपको याद रहेगा, नहीं डिजर्ट में अगर कोई फंस गया बंदा, फ्रांस कोई फंस गया तो सच में पानी के लिए तबाह हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है। इस तरह आपको, और उसमें अगर नाइट हो, नाइट वैसे सरदार वाला है, लेकिन दोस्तों अगर नाइट हो, ठीक है, डिजर्ट नाइट, नाइट हो, नाइट में कोई फंस गया तो अब तो बवाली है, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा, फ्रांस फंस गए कहाँ, डिजर्ट में, और वर ढूंढने में फंस गया था, ठीक है। इस तरह वर ढूंढने में भी फंस गया था और डिजर्ट में भी फंस गया था, ओके। आगे दोस्तों क्या, जो कि दोस्तों देखिए पासिस, जो कि पासिस जो कि थर्ड और फोर्थ और फाइव और सिक्स, ये इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है पासिक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सभी जो भी कंफ्यूज हैं तो सबको आपको याद रखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों पासिक्स जो कि थर्ड है, ठीक है, अब ये किसके मध्य हुआ, भारत और रूस के मध्य हुआ, जो कि पूर्वी हिंद महासागर में हुआ। एक्सरसाइज याद रखें कैसे, आप यहाँ पर थर्ड पासिक्स तो आपको याद रहेगा, आप थर्ड पकड़िए तीन, और तीन को दोस्तों यहाँ से याद करिए, रूस, रूट, रूस को रूट से समझिए, रूट, आपको तीन लोगों से कभी नहीं रूठना चाहिए, सच में रियल है, तीन लोगों से आपको कभी नहीं रूठवाना या फिर रूठना चाहिए, कौन है, हमारे पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, ठीक है, और अपने आप से खुद, अपने से और मम्मी पापा से कभी नहीं रूठना चाहिए, तीन यानी थ्री, कभी नहीं रूठना चाहिए सच में, ओके। इस तरह आपको याद रहेगा, तीन लोगों से कभी मत रूठो, मम्मी पापा और अपने आप से, अगर अपने आप से भी रूठ गए तो कुछ बनेगा नहीं, मम्मी पापा से रूठ गए तो फिर दिक्कत ही है, ठीक है, तो इस तरह आपको याद रहेगा। आगे दोस्तों क्या है, पासेक्स फोर्थ जो कि भारत और वियतनाम के मध्य ये एक्सरसाइज हुई है, दक्षिण चीन में, दक्षिण चीन सागर में हुई है, याद रखें कैसे, देखिए फोर्थ, चार शब्द आता है यहाँ पर, चार हमारे लाइफ में, चार क्या होते हैं, हमारे जो कि एज होते हैं, चार यानी कि
चार हमारे जो कि लाइफ में पड़ाव आते हैं, चार होते हैं, ठीक है, चार मोड़ होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं चार कौन कौन से हैं, अर्थात हमें चार टाइम हमारी लाइफ चेंज होने का मौका मिलता है, यातनाएं मिलती है, कब, चार दफा, ठीक है, चार टाइम, फोर टाइम हमें यातनाएं मिलती है हमारे लाइफ में। वो यातनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए दोस्तों, जब एक हम बड़े हो गए, पहली बात तो एक समझिए कि हम जब हमारा जन्म होता है तभी एक यातना तरीके से हमें मिलता है, मतलब कठिनाई है बहुत यार रियल में, यानी कि यातना हमें कब, जन्म के समय मिलती है, ठीक है, यातना। उसके बाद हमें जब लाइफ सेटल करने का होता है, ठीक है, जॉब वॉब ढूंढना होता है, तब यातना मिलती है। उसके बाद जब हम वृद्ध के कगार में जाते हैं तब यातना मिलती है, और जब हम एक टाइम आता है ना इस दुनिया से विदा लेने का टाइम, ठीक है, तब यातनाएं बहुत ही मिलती हैं। इस तरह आपको चार टाइम आपको यातनाएं सच में मिलती हैं, फोर टाइम इस लाइफ में चार यातनाएं, वियतनाम यातनाएं मिलती हैं चार दफा, ठीक है, चार टाइम ऐसे होते हैं दोस्तों। ट्रिक है, आप रियल समझें या फिर ना समझें, लेकिन ये ट्रिक है तो आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइव है दोस्तों, देखिए पास इज फाइव, जो कि इसको अरब सागर में होती है ये एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के साथ। अब याद रखें कैसे, देखिए इंडोनेशिया क्या है, इसकी कैपिटल जकार्ता है, देखिए पांच, और दोस्तों यहाँ रहा इंडो, तो पांच आ रहा शब्द पांच, ठीक है, और यहाँ रहा डोनेट, यानी कि इंडोनेशिया डोनेट। हम अपने लाइफ में पांच दफा या फिर हम पांच डोनेट किया ऐसे, तो इसको आप लपेट सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है यार इसकी ट्रिक बनाना, पांच और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। इस तरह आपको दोस्तों याद रहेगा हमने पांच दफा क्या डोनेट किया, कोई भी चीज ऐसे समझिए, डोनेट इंडोनेशिया, हमने पांच बार डोनेट किया। आगे दोस्तों क्या, सिक्स जो कि भारत और बहरीन के मध्य होता है, बहरीन, ठीक है, जो कि फारस की खाड़ी में होता है, याद रखेगा इसे, देखिए दोस्तों यहाँ छा, अच्छा, और यहाँ बहरीन, ठीक है, याद रखेगा इसे। देखिए अगर कोई दोस्तों कुछ सुन नहीं पाता था, कोई सुनेगा नहीं बार बार, तो बोलता सॉरी, यानी छा क्षमा मांगेगा, ठीक है, सॉरी बोलता, अगर किसी से आप बात करते हैं या फिर कुछ बोलना होता है, अगर वो बंदा अगला सुन नहीं पाता तो बोलता सॉरी, प्लीज टेल मी अगेन, ऐसे बोल लेता है, यानी कि सॉरी बोलना क्षमा मांगता है, क्योंकि वो सुन नहीं पाया, अगर सुनेगा नहीं तो अर्थात तो बहरा होगा, ठीक है। इस तरह आप इसको लिंक कर सकते हैं, बहरा व्यक्ति कभी मतलब सुन नहीं सकता तो बोल देगा सॉरी, अगर कम समझ में आता है उसको, सुन नहीं पाता, कानों से बहरा होगा हल्का सा, तो बोलेगा सॉरी, दोबारा बोलो उसको तेज से, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, और तो कोई जुगाड़ है नहीं कि आपको याद ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कितने हैं, चार हैं, तो इसमें आपको बहुत ही डाउट होता होगा, लेकिन अब नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ट्रिक, स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं, अगर आपको इसको थोड़ा सा डाउट हो तो एक बार वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, सच में आपको सारे कुछ याद हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा डाउट हो अभी तक तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो, जो 2020 के वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, उनको भी आप देखिएगा, सारे कुछ आपको याद हो जाएंगे, एक्सरसाइज जो भी हुए हैं युद्धाभ्यास, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, गर्मी बहुत तेज है, क्या करें, बनाना पड़ता वीडियो, ओके, तो सपोर्ट जरूर करिएगा हमारी मेहनत के लिए, अगर आपको याद होता है तो, क्लास पसंद आए तब, ओके, और आपका जो भी टॉपिक हो तो कमेंट करके बताइएगा, इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास, जय हिंद।